हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बड़गाम की संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको आंग्ला मराठा युद्धों के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद जो सूरत की संधि हुई है, पुरंदर की संधि हुई है, इनके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है। तो देखिए, यदि आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा, मतलब जब मुगलों का पतन होता है, तो ये आपके पेशवा और मराठे हैं, ये नई शक्ति भारत में आते हैं, और फिर मतलब जो विदेशी आते हैं, अंग्रेजों को मराठों और पेशवाओं से युद्ध करना पड़ता है। तो यहीं से एक तरह से देखें तो यहीं से हम आधुनिक भारत की शुरुआत भी मानते हैं। और जैसे कि पहले, सबसे पहले जैसे कि आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और फिर ये जो आपके आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। और देखिएगा, सबसे पहले जो इनका था, पेशवा था जो राघोबा था, इसके और अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि होती है, और उसके बाद मतलब कि कल हमने आपको पढ़ाया था पुरंदर की संधि जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में होती है, और ये मराठा सरदार एक तरह से देखें तो मतलब नाना फडणवीस था, और मतलब सुखराम बापू ने इस पे हस्ताक्षर भी किए थे। और फिर आ जाती है आपकी बड़गाम की संधि। तो देखिएगा, होता क्या है कि जो मतलब अंग्रेज लोग हैं, वो पुरंदर की संधि को भी इतना ज़्यादा वो महत्व नहीं देते हैं, और मतलब फिर से एक बार मराठों पर ये आक्रमण कर देते हैं। और जो मतलब हेस्टिंग्स है, इसने मार्च 1778 ईस्वी में बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या होता है कि लास्ट में अंग्रेज लोग हैं वो हार जाते हैं बड़गाम की सॉरी इस युद्ध में, और इनको अपमानजनक समझौता, बड़गाम का समझौता करना पड़ता है। तो मतलब बड़गाम का समझौता है, इसमें मतलब मराठों की शर्तों को माना गया था। इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं बड़गाम की संधि। और बड़गाम की संधि होती कब है? 19 जनवरी 1779 को होती है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो देखिएगा, बंबई सरकार है उसने कर्नल एगस्टस के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु जब वह मराठों के हाथों पराजित हुआ, तब उसके स्थान पर कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई थी। मराठा सेना का नेतृत्व है वह कौन कर रहा था? महादजी सिंधिया और मल्हारराव होलकर। मराठा सेना धीरे धीरे पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती गई। पूना से 18 मील दूर तेलगांव के मैदान तक आ पहुंची। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव पहुंचते अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठों ने उन्हें तीन ओर से घेर लिया है। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज पराजित हुए, और इस पराजय के साथ ही बंबई सरकार को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा था, और यह आपका 29 जनवरी 1779 को दोनों पक्षों में बड़गाम का समझौता हुआ था। अब देखिएगा, जो बड़गाम की संधि होती है, इसकी शर्तें क्या क्या थी? तो अंग्रेज हैं वो राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। तो राघोबा हमने आपको पहले भी पढ़ाया, रघुनाथ राव था, और ये मतलब माधव राव की जब 72 में मृत्यु हो जाती है, तो पेशवा बनना चाहता है, और इसके इरादे थोड़े गलत होते हैं। तो जो मराठा सरदार नाना फडणवीस है, मल्हार राव होलकर है, ये मतलब इसको नहीं बनने देना चाहते हैं। तो ये जो रघुनाथ राव है, ये अंग्रेजों से मिल जाता है। और तो अब इस बड़गाम के की संधि में ये निश्चय हुआ, ये शर्त मराठों ने रखी कि भाई जो अंग्रेज हैं वो राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। ठीक है, अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है, वे सभी मराठों को सौंप देंगे। जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न करें, तब तक दो अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद में रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका बड़गाम का समझौता और इसकी शर्तें। बड़गाम का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। जो हेस्टिंग्स था उस टाइम के पे जो गवर्नर जनरल था, उसने स्वयं कहा कि जब मैं बड़गाम समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ, तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, और मतलब इसने
ये समझौता स्वीकार नहीं किया और फिर से मतलब ये मराठों के विरुद्ध सेनाएं भेजता है और फिर मतलब आगे जो आंग्ल मराठा युद्ध का कंटिन्यू रहता है। तो हम आगे के वीडियो में हम आपको मतलब सालबाई की संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में।